अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्ट करने लायक लगती है, पर हम उनमें से एक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में हम कंपनियों को कई तरह के फाइनेंशियल रेशियोज से कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम उनमें से सबसे अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। हम इस वीडियो में ऐसे ही एक फाइनेंशियल रेशियो इन्वेंट्री डेज को जानेंगे। हम जानेंगे कि इन्वेंट्री डेज क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि इन्वेंट्री डेज क्या होता है। दोस्तों, इन्वेंट्री डेज एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने टोटल इन्वेंट्री को कितने दिन में सेल कर देगी। इन्वेंट्री डेज को डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री या डेज इन्वेंट्री भी कहा जाता है। इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री डेज इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉक्स इनटू 365। दोस्तों, इन्वेंट्री का मतलब होता है कंपनी के पास रखे वो सारे प्रोडक्ट्स जो सेल करने के लिए रेडी हैं। साथ ही इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स को भी ऐड किया जाता है जिन्हें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करती है। वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट जो कंपनी को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कभी कभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, एवरेज इन्वेंट्री हमें कंपनी के बैलेंस शीट में बिगिनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री के एवरेज से मिलती है। वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। आइए अब हम पेंट कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड के लिए इन्वेंट्री डेज को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, एशियन पेंट्स लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड होने पर एवरेज इन्वेंट्री थी 2976 करोड़ रुपए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 8524 करोड़ रुपए। इस तरह एशियन पेंट्स लिमिटेड का इन्वेंट्री डेज हो जाएगा इन्वेंट्री डेज इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री 2976 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8524 करोड़ रुपए इंटू 365 जो हो जाएगा 127.43, जिसका मतलब है कि एशियन पेंट्स को अपनी एवरेज इन्वेंट्री को सेल करने में लगभग 127 दिन लगते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री डेज का यूज मेनली मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग कंपनियों के लिए ही होता है और इन्वेंट्री डेज से हम कंपनियों का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में हो। ऐसा इसलिए कि हर इंडस्ट्री अलग अलग तरह से ऑपरेट करती है, जिस वजह से हर इंडस्ट्री में इन्वेंट्री का सेलिंग टाइम काफ़ी अलग अलग हो सकता है और हमें कंपनियों के कंपैरिजन में इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम पेंट्स इंडस्ट्री की चार बड़ी कंपनियों यानी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और एक्जो नोबल के इन्वेंट्री डेज को कैलकुलेट करें तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स का इन्वेंट्री डेज जहाँ सबसे कम 127 है, वहीं बर्जर पेंट्स का इन्वेंट्री डेज सबसे ज़्यादा 159 है। इस डेटा का मतलब ये हुआ कि एशियन पेंट्स जहाँ 127 दिन में अपनी एवरेज इन्वेंट्री यानी 2976 करोड़ रुपए के पेंट्स सेल करती है, वहीं बर्जर पेंट्स को अपनी एवरेज इन्वेंट्री यानी 1333 करोड़ रुपए के पेंट्स को सेल करने में 159 दिन लगते हैं। इससे हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा अमाउंट्स के पेंट्स को 32 दिन कम में सेल कर देती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है। दोस्तों, एक्चुअल में हमें इस तरह कंपनियों के इन्वेंट्री डेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हम इसे एक्चुअल में समझ पाएं इसलिए हमने इसे इतने डिटेल में जाना। हम किसी भी कंपनी के इन्वेंट्री डेज को screener.in या मनी कंट्रोल वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक इंडस्ट्री की कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिस कंपनी का इन्वेंट्री डेज सबसे कम होता है उस कंपनी को उतना एफिशिएंट माना जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हों, हमें एक बार उस कंपनी के इन्वेंट्री डेज को इंडस्ट्री में मौजूद दूसरी कंपनियों से ज़रूर कंपेयर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इन्वेंट्री डेज के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वेंट्री डेज क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।